अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सिंघाड़े का सालन बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही कैल्शियम इसमें होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ के मरीज़ लोग को भी बहुत फ़ायदा करता है। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गया है, और अब इसको कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ मैं। देखिए पहले इसको इस तरह से छील लेते हैं, और अगर अखा निकालना है तो अखा निकाल लीजिए, और नहीं तो इसके अंदर देखिए कांटा भी रहता है, कभी कभी धस जाता है, नहीं तो बीच में से दो पीस करके और उसका छिलके को खींच के निकाल दीजिए। और ये मेरा सिंघाड़ा छिल गया, ये सिंघाड़ा, और ये है इसके अंदर हरा मसाला जो मैं डालूँगी। दो छोटी प्याज को मैंने कतर लिया है, तीन छोटे छोटे टमाटर है, और हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी अदरक। अभी सबको मैं रेडी कर ली हूँ, और सिंघाड़ा भी हमारा छिला हुआ रेडी है। अब इसको मैं गैस पर लेकर चलती हूँ, और मैंने कुकर को चढ़ा दिया, उसमें तेल डाला। तेल डालने के बाद मैं ये जो कच्चा सिंघाड़ा आधा किलो है इसको मैं थोड़ा सा हल्का हल्का तलूँगी, ताकि इसका रंग बदल जाए। ज़्यादा कड़क अगर ज़्यादा तलेंगे तो ये ऊपर का स्टीम इसकी बहुत सख्त हो जाएगी और ये जल्दी गलेगा नहीं। अब इसको मैं देखिए तलने के लिए कुकर में छोड़ दी हूँ, कुकर में हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से चला कर जैसे ही थोड़ा सा पीला रंग आए बस इसको फौरन निकाल लीजिएगा। ये देखिए ये पूरा जो है ना, ये हमारा देखिए कच्चे से सफ़ेदी से थोड़ा सा रंग बदली हुआ है। इस तरह से आपको बनाना है, ये अच्छी तरह से देख लीजिए, स्किप नहीं करिएगा। अगर आपको मेरा ये चैनल ये खाना पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप लोग करते हैं ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। वो मेरे को लग रहा था छोटा पड़ेगा कुकर, मैंने तो थोड़ा बड़ा कुकर को चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैं तेल डाल दी हूँ, और जो मेरा मसाला मैंने हरा बताया था उसको मिक्सी में पीस लूँगी। तेल में मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूँगी, हींग ज़रूर डालिए, थोड़ा ये बादी होता है। और इसको फिर ऐसे थोड़ा सा फ्राई करिए। अब जो मैंने प्याज कतरी थी उसको इसमें डाल देंगे। प्याज को ज़्यादा हमको लाल नहीं करना है, थोड़ा सा उसका भी रंग बदल जाए, क्योंकि फिर वो गलेगी ना, मसाले में गल जाएगी तो बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरह से देखिए इसका रंग अभी नहीं चेंज हुआ है, सफ़ेद ही दिख रहा है। देखिए अभी इसको और थोड़ा सा पकाना है। अब इसके अंदर मैं चार पांच पत्ती कड़ी पत्ता का डाल दूंगी, और इसको भूजते रहेंगे। बहुत ही सुकून से आप इसका काम को करिए, और आप बनाएंगी ना बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए इसमें मैंने मिर्चा डाला है, हल्दी डाला, और धनिया पाउडर को मैंने दो चम्मच डाला, वो ज़रा बड़ा चम्मच था। और हल्दी पाउडर तो आप ना आधा चम्मच डालिए, और मिर्चा जैसा आपको। अब इसको मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनना है, क्योंकि सूखा मसाला था वो जल्दी से भुन जाएगा। और जो मैंने पीस के रखा था ना मिक्सी में, उसको भी अब हम इसमें डाल देते हैं। और डालने के बाद इसके अंदर जो मिक्सी के प्याले में जो लगा हुआ है टमाटर वगैरह, तो उसको भी अच्छे से धो के थोड़ा पानी डाल के मसाले को साथ में पकाएंगे। ये इस तरह से देखिए कितना अच्छा पक रहा है ना। अब इसके अंदर आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए। आधा किलो तो सिंघाड़ा है, अब उसके अंदर मैं डेढ़ चम्मच, छोटा सा चम्मच से मैं डेढ़ चम्मच डाली हूँ नमक।
अब इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए, फिर अच्छी तरह से भून लीजिए। जब ये मसाला कभी भी भूजता है ना तो उसमें तेल छूट जाता है। और अब इसके अंदर मसाला हमारा रेडी हो गया है, एक गिलास पानी आप डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए पूरे मसाले के अंदर पानी को। और जो तला हुआ सिंघाड़ा था उसको भी इसमें कुकर में अब हम डाल देंगे। और देखिए प्लेट में जो तलने की वजह से तेल है ना उसको भी हम काट के इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इस पर इसके अंदर हम एक चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, क्योंकि गरम मसाला घर का पिसा हुआ है ना उसको ज़रा सा भूंज के फिर हम पीस के रखते हैं, इसलिए इसको आखिरी में डाल दीजिए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। जिस तरह से हम मटन पकाते हैं ना तो दो तीन सीटी देते हैं, तो सिंघाड़ा तो आप लोग ने उबाला खाया होगा तो वो थोड़ा सा कड़क लगता है, खुसखुसा लगता है। और इसको जो है ना थोड़ा मटन की जैसा गलाना है। तीन सीटी में देखिए सीटी मार रहा है, क्योंकि मैं एडिट कर रही हूँ ना सीटी की आवाज़ नहीं आ रही है। तो जब ये तीन सीटी हो जाएगी तो गैस बंद कर दीजिए। गैस बंद करने के बाद इसको सिंघाड़े को उसी में रहने दीजिए। जब हमारा कुकर थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो उसको फिर हम खोल देंगे। अभी देखिए ये जो है रेडी हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। कोई भी चीज़ अच्छी दिखती है तो भूख और ज़्यादा लग जाती है। एक मरतबा आप ज़रूर ये ट्राई करिए, आप ट्राई ज़रूर करिए। ये मैं बोलती हूँ बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही पसंद आएगी, आप उंगली चाट चाट के खाएंगे। और ये देखिए मैंने इसमें हरी धनिया को भी डाल दिया है, हरी धनिया को भी थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे।